अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी यहाँ पर भी सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और जी जैसे कि आप जानते हैं कि ईद आने वाली है और ईद पर हम सब होंगे बहुत ज़्यादा प्यार। हम लोगों का, लड़कियों का यही होता है कि हम सबसे अच्छी लगे, हम प्यारी लगे, और हम अपना मेकअप, अपनी ज्वेलरी और अपना ड्रेस जो होता है हम लोगों को, वो तो लाजमी पहना होता है। भले हमें घर में जितने मर्ज़ी काम हो, हमें उन कामों को भी करना है और हमें अपना जो होता है, हम प्यारे लगें, इस चीज़ को भी हमें, क्योंकि ख़ानदानों में होता है कॉम्पिटिशन, और उस कॉम्पिटिशन में हमें सबसे ज़्यादा आगे होना है। हम नहीं चाहते कि हम बिल्कुल भी किसी से कम लगे और हम लोग जो हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ आपके लिए आसानी कि आप लगें बहुत 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 प्यारी और आप लोग अपना काम भी बड़ी आसानी से कर लें। और जो हमारे फेस पे बाल आ जाते हैं काम करते बार बार, तो हम इस तरह की हेयर स्टाइल कैरी करें कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो और हम लगें बहुत ही ब्यूटीफुल। तो मैं हूँ आपकी बहन और मैं करूँगी आपके लिए आसानियाँ। तो जी आप मुझे अपनी जो है फरमाइश भी बता सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं। जो मैं करती हूँ, जो मुझे पता है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे आपके कमेंट्स का बहुत बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। जो देखें मैं कर रही हूँ आपके साथ एक बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल शेयर। तो जे ये मैंने अपने जो है बालों को, इनको राउंड 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 किया है, इनको फ्रंच कहते हैं। ये मैं चुटिया बना रही हूँ इधर से भी और दोनों साइड से। और फिर मैंने बालों को, क्योंकि गर्मी की जो ईद होती है और गर्मी की जो शादी होती है, उसमें उसी हिसाब से जो होते हैं हेयर स्टाइल कैरी करने पड़ते हैं। तो ये जो है शदीद वाली गर्मी, तो उस गर्मी में ये वाला हेयर स्टाइल रहेगा बिल्कुल परफेक्ट। तो देखें बालों को इस तरह से दोनों साइडों से पकड़ कर कर रही हूँ मैं, इधर के इधर और इधर के इधर। तो मैं इधर के बालों को इधर नहीं रहने दे रही और इधर के बालों को इधर नहीं रहने दे रही। अब मैंने इनको नहीं आने देना सुकून, क्योंकि ये करेंगे मुझे बेसुकून ईद पर। तो मैं इनको लपेटूँगी लेकिन बड़े ही प्यारे स्टाइल से। तो ये देखें जी बड़ा ही अच्छा सा स्टाइल बन जाएगा और आई होप आपको समझ आ रही होगी सही से। और आप लोग मेरी बातों पे कम गौर करें और वीडियो पे ज़्यादा करें। और फिर इसमें आप लगा सकते हैं कलरफुल बीड्स, जो जिस कलर का आपने ड्रेस पहना है उस कलर के, वाइट कलर के, कुछ भी आप इसमें लगा लें। ऊपर जो है आप बटरफ्लाई भी लगा सकते हैं, फ्रंट पे भी कुछ लगा सकते हैं। और इस हेयर स्टाइल को आप बड़े ही अच्छे से कैरी कर सकते हैं शलवार कमीज़ के साथ, फ्रॉक के साथ, मैक्सी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। तो ईद पर आप बड़े ही खूबसूरत लगेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लाऊंगी बहुत ही अच्छा सा मेकअप, जो है मेकअप लुक लाऊंगी आपके लिए, जो ईद पर हम करें और हम लगें बिल्कुल ब्यूटीफुल से लगें और बिल्कुल सॉफ्ट सा मेकअप हो, ना कि ऐसा कि हम भड़कीले से लगें कि ईद है और इतनी गर्मी है और हम कुछ के कुछ बन जाए, हमारा लाइनर बह जाए, हमारा मस्कारा बह जाए। हम इस तरह का बिल्कुल भी मेकअप नहीं करेंगे, हम करेंगे बिल्कुल लाइट लाइट सा नो मेकअप लुक करेंगे। तो इंशाल्लाह जितना मुझसे पॉसिबल होगा, जितना मुझे पता है, मैं आप लोगों की पूरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ दूंगी जो मुझे पता है, और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इस ईद पर आप किस तरह की ड्रेसिंग करेंगे, किस तरह का मेकअप करेंगे, किस तरह का हेयर स्टाइल करेंगे और किस तरह के खाने बनाएंगे और अपनी बिज़ी लाइफ को किस तरह से आप आसानी ही में तब्दील कर सकते हैं। और ऐसी ऐसी रेसिपीज़ दूँगी कि जो झटपट से बन जाएंगी और आपको सारा दिन किचन में ख्वार नहीं होना पड़ेगा। तो जी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।